काफी बाल कम है, देखिए बाल है ही नहीं है यहाँ। तो भाई ने बोला कोई टेंशन मत ले, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, देखो मैं कैसे फाइनल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके हेयर स्टाइल। मतलब जैसे कि आपको ऊपर में थोड़ा रहेगा और नीचे से एकदम स्लोपिंग करके उठे, वन से हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आज हम आप लोग को दिखाने वाला है हेयर एंड बियर्ड दोनों एक साथ बना रहे हैं, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। और देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को आज बताने वाला है, क्योंकि जीरो में और अच्छा लगेगा बेटर, लेकिन सर जीरो नहीं करेगा बोल रहे हैं। हम वन से पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम जीरो मार सकते हैं। मशीन का नाम है सीनियर मशीन है, आप लोग देख सकते हैं वॉल का सीनियर है और ये सीनियर मशीन का क्लिप है, इससे हम लोग आज करने वाला है। आप लोग देखिए कैसे होते हैं। मेरा फाइनली हो गया नंबर फोर, मैंने खुल के रखेगा अभी। अभी हम लोग ये देखिए नंबर थ्री, हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, ये फुल्ली ट्यूटोरियल वीडियो होगा। जो नया बंदा है इस लाइन पे आया है उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, सबसे ज्यादा बेटर होगा सीखने के लिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप ये जो है हम चारों तरफ घिर लिया, बना लिया इसको, लेकिन हम पहले यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, यहाँ से शुरुआत नहीं करेगा, हम करेगा यहाँ से करेगा, क्योंकि यहाँ से करने से बहुत बेहतरीन लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है। एक जो फेडेड करता है हम एकदम स्लोप बहुत अच्छा से दिखता है और लुक बहुत अच्छा लगता है, फेस तो थोड़ा लंबा हो जाता है, यही कारण है। यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करने से ये डब जाता है, इसका आइडिया नहीं मिलता। गाइडलाइन हम मैंने यहाँ से ले लिया, आप लोग देखते रहिए। नंबर थ्री है ये क्लिप, और अभी इसको खुलेगा हम, अभी लगाना है हम लोग को नंबर टू, और बेहतरीन स्लोप आएगा, आप लोग देखते रहिए। आज का वीडियो तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अभी जो यूज करने वाला है वन पॉइंट हाफ, आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे स्लोपिंग हो रहा है और बेहतरीन स्लोप होगा। जब एक नंबर मारा जाएगा ये तो 1.5 है, इससे लुक थोड़ा पता चल रहा है हम लोग को। तो आज जो दिखा रहे हैं आप लोग को हम अंडरकट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो, आप लोग को सीखने में बहुत इजी होगा। गाइस तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए नंबर वन है, नंबर वन क्लिप है, इससे ही तो हम लोग को बहुत अच्छा बेहतरीन लुक मिलेगा, यही मेन है। लेकिन ये हम लोग को लास्ट में मारना है, बहुत अच्छे से कटना है। आप इसको फर्स्ट टाइम भी यूज कर सकते हैं या लास्ट टाइम भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हम डायरेक्ट करता है तो हम ये फर्स्ट में यूज करता है, क्योंकि अगर किसी को सिखाना है, नया है इस लाइन में और सीखने चाहता है, तो उन लोगों के लिए इसीलिए हम, ताकि ज्यादा कट नहीं जाए, स्लोप खराब नहीं होगा, इसीलिए हम क्या किया स्टेप बाय स्टेप कट के हम दिखाया। नहीं तो अगर हम ऐसे नॉर्मली नंबर वन से ही कटता है, लेकिन हम आज दिखाने की वजह से हम स्टेप बाय स्टेप कट के दिखाया। अगर मेरा चैनल में आप लोग नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक शेयर। मेरा पहले का जो वीडियो आप लोग देखा था उसमें हम ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक यूज करता था, हम इस वीडियो से हम इतना म्यूजिक यूज नहीं करेगा, बीच बीच में बोलते रहेगा, आप लोग को दिखाते रहेगा कटिंग कैसे होते हैं, क्या होता है। और मेरी जितने व्यूअर्स लोग हैं आप लोग आ सकते हैं,
मेरा सैलून में जू रोड AIDC दूरदर्शन केंद्र ऑपोजिट, आप लोग भी आइए और बहुत बेहतरीन बेहतरीन कट आप लोग को फेस का हिसाब से और अच्छा लगेगा और विजिट कीजिए। देखिए बराबर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा स्किन फिट कट हुआ है, एकदम सॉफ्ट हुआ है, कहीं पे भी एकदम मतलब लाइनिंग नहीं रहा, एकदम अच्छा से हुआ है। देखिए आप लोग देख सकते हैं हम यूज कर रहे हैं ऑल का जीरो ट्रिमर। ये देखिए साइड का जो हम लोग ये बॉर्डर करते हैं, ये जो लाइनिंग होता है बहुत क्लीन होता है, इससे ये वन फिंगर से आप सपोर्ट लेना पड़ेगा इसको ताकि आपको बैलेंस में रहेगा। हम ऐसे कर रहे हैं, आप लोग ऐसे मत कीजिए, आप लोग ऐसे करके सपोर्ट लीजिए मशीन का, इसे आराम से इसको सपोर्ट लीजिए इसे, नहीं तो कभी अंदर भी चला जाएगा, बहुत बुरा हाल होगा तो अगर नया सीख रहे तो। ऐसे करके कान पकड़ना है और एकदम हल्का से लाइनिंग देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है ट्रिमर में, स्किन में लग सकते हैं। दो सीजर है, एक थीन सीजर है और एक कटा सीजर है। पहले हमको हल्का हल्का थीन सीजर लगना है, देखिए वॉल्यूम कम ना जाए। ये कटिंग सीजर, वो है थीन सीजर, तो इससे हम हल्का हल्का जो एक दो निकल जाएगा ऊपर ऊपर से उसको ट्रिम करना है और स्लोपिंग बहुत अच्छा होगा। और फिर से लिया है हम जीरो ट्रिमर, हल्का से आपको कट करना है, हाथ पे ध्यान रखिएगा, एकदम कॉम जो है ना एकदम ग्लैंस में रखना है इसको एकदम आराम से, और ऐसे ना हो जाए नीचे से ट्रिमर घुस जाए ऐसे नहीं, पहले कॉम को ऐसे देना है उसके बाद आराम से इसको कटना है। तो ये सब सारा चीज़ को ध्यान देना है, मेरा हिसाब से ये अगर हल्का से लाइनिंग लगेगा तो अच्छा लगेगा। पहले पूछिए ये करेगा सर, अगर सर एग्री हो गया तो आपका अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग जो है डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि हर कोई ऐसे लाइनिंग नहीं देता है। बाल कम है आप देख रहे हैं, देखिए बहुत कम है बाल, लेकिन इस बाल से ही हमको कटिंग बनाना है और लुक को कवर करना है बहुत अच्छा। तो अभी जो है अभी आप लोग हल्का से वाटर स्प्रे यूज कर सकते हैं ऐसे करके पकड़ के ताकि आँख पानी नहीं चला जाए, ऐसे करके हल्का अभी ऐसे करना है। अभी देखिए मेरा पूरा हो गया है स्किन फिट अंडर कट, तो हमको हाफ से करना है, यहाँ से ये जो है साइड से हाफ है, यहाँ से करना है स्लोपिंग से, और यहाँ जो हम रखा है वॉल्यूम थोड़ा यहाँ रखा है क्योंकि फेस को हमको हाइट नहीं, इसीलिए सामने में काफ़ी बाल कम है, देखिए बाल ये नहीं है यहाँ बहुत पतला है, तो इस हिसाब से आप लोग को कटना है, इसीलिए आप लोग का पास ये वीडियो पहुँचा रहा है। देखिए कटिंग करने से तो हर आदमी तो कटिंग करता है, लेकिन ये सारा चीज को मिला के जो कटिंग है वही मेन कटिंग होगा, देखिए ये बहुत कम है बाल, तो इसीलिए आपको ये सेक्शन को बिल्कुल अलग कर देना है। अलग करने के बाद यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इसको आप आराम से कटना है तो ताकि उसका हिसाब से मिल जाए। ये भी आप लोग को सेक्शन करके हम दिखा रहे हैं, ये देखिए मिडिल, ऐसे मिडिल में सेक्शन करना है, आप लोग को गाइडलाइन के हिसाब से हम दिखा रहा है क्योंकि ये वीडियो मेरा बिल्कुल ट्यूटोरियल हो रहा है, इसीलिए आप लोग को हम ऐसे दिखा रहे हैं। देखिए हम दोनों भाग कर दिया मिडिल से, और ये जो है गाइडलाइन हम ले लिया, यहाँ से आपको गाइडलाइन लेना है, देखिए इधर बराबर, स्ट्रेट कटना है बैक साइड। ये देखिए ये मेरा गाइडलाइन पूरा रेडी हो गया, अभी
सारा बाल को एक साइड करना है, इसमें बिल्कुल टच नहीं करना है। एक साइड मैंने कर दिया है, पूरा ढक दिया, तो इसका हिसाब से हमको गाइडलाइन निकलना है। तो देखिए कैसे निकलना है, तो अब ऐसे सेक्शन ले लिया, इधर कर दिया, उसके बाद ये देखिए सारा बाल आप ऊपर कर दीजिएगा, या ये जो है गाइडलाइन ये निकल गया। और दोबारा करना है आपको, क्योंकि ज़्यादा क्लीन होगा। देखिए अभी स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके धीरे धीरे सामने जाना है आपको। देखिए ये मेरा गाइडलाइन निकल गया है। साइड में भी सेम टू सेम है, इधर के उठाना है, इधर इधर गाइडलाइन निकल गया है। ये जो कटिंग है हम आप लोग को दिखा रहा है, बिल्कुल आराम आराम से कट के दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप लोग को मिस ना हो जाए जो कहाँ से किया किया है। बहुत वीडियो मैंने काट कूट के दिखाया है, तो इस वीडियो आप लोग को ऐसे नहीं दिखाएगा, इसीलिए हम पूरा ट्यूटोरियल के साथ आया है इस वीडियो लेके। ये देखिए हम आगे में छोड़ दिया है, और बैक साइड का देखिए आप लोग कितना अच्छा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। सामने में बहुत कम है बाल, तो इसको हमको मिलाना है अभी। पहले आप इस लेवल से कटना है, अब थोड़ा सामने दीजिए, नाक का बराबर रखा है। अभी देखिए इसका हिसाब से, ये अगर ऐसे देगा तो मिल गया, लेकिन ये ज़्यादा फूला लग रहा है हमको, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे करके साइड करके इसको आपको कटिंग करना है। इसको हमको डायरेक्ट नहीं कटना है, इसको फूला फूला लग रहा है तो इसे झिझक कर दीजिए, तो अच्छा से मिल जाएगा। फिंगर से देखिए, अगर फिंगर से लग रहा है तो छोटा बड़ा है, फिंगर नहीं कर सकते हो आप ऐसे करके। दाढ़ी जो है हम बिल्कुल जीरो ट्रिमर से ही फिनिश करेगा अपने व्यक्ति में। मूछ को हमको हल्का हल्का कटना है, क्योंकि लिप्स नहीं निकलना है ना सर, लिप्स नहीं निकलना है, थोड़ा हल्के से। ऐसे फिंगर सपोर्ट लीजिए, ऐसे भी कट सकते हैं, लेकिन सपोर्ट लेने से ज्यादा बेटर है। मेरा वीडियो जो है ना सब एक्चुअली नया हेयरड्रेसर है, उन लोग के लिए स्पेशली बना जाता है, और जो जानता है तो जानता ही है, फिर भी देख सकता है आप लोग मेरा काम। अगर इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए, हम कोशिश करेगा ठीक करने के लिए, क्योंकि वीडियो में सब स्टेप को कवर नहीं कर पाते हैं, कभी कभी क्लाइंट ज़्यादा रहता है, इसीलिए यही है, कोशिश करेंगे कवर करने के लिए।
हल्का हल्का से क्रीम भी लगा सकते हैं अगर हम वाटर लगा सकते। तो हेलो एवरीवन, अभी मेरा कटिंग फाइनली हो गया। अभी जो हम यूज़ करने वाला है ये है लोरियल का, देखिए वैक्स है, ये बहुत अच्छा वैक्स है। आप लोग देखिए जो है ये वैक्स को आप ऐसे कर सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। आप लोग को अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज का मेरा फाइनली कटिंग जो आप लोग को कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। और हम आप लोग को दिखाने वाला है अभी फाइनल लुक कम है, बैक साइड से तो बहुत अच्छा लुक आया है, यहाँ से जो आया है देखिए। बस मैंने सर का बाल काट दिया लेकिन सर को कुछ बताया नहीं, कुछ पूछा नहीं है। एक्चुअली सर आप कहाँ से? हम लोग गुवाहाटी से हैं। मैं बाल काटने आया था, मुझे बहुत कंफ्यूजन था मेरा बाल कैसे कैसा कटेगा, क्योंकि मेरा आगे में बाल बहुत कम था, आपने वीडियो में देखा पहले। फिर सर को बोलने के बाद में समझ गया सर नहीं, सर नहीं भाई है। ओके, तो भाई ने बोला कोई टेंशन मत ले, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, देखो मैं कैसा फाइनल लुक देता हूँ। और फाइनल लुक आपके सामने है और देख लीजिए, फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो अच्छा लगा ना कटिंग? बहुत अच्छा। आप बोल दीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल का एक ही हेयर स्टाइल का जो व्यूअर्स है उन लोग को बोल दीजिए कुछ। आप लोग आइए यहाँ पे बाल कटवाने आइए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको बाल कटवाकर। और इसके चैनल को लाइक सब्सक्राइब।